YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर में ही थे, लेकिन पड़ोसी जिले कुशीनगर की पडरौना में शौच के लिए गई नाबालिग लड़की के गायब होने के बाद से ही परिजन परेशान थे। बदहवास हालत में लड़की मिले और उसने घटनाक्रम बताया तो परिवार में सनसनी से मच गई। ये रिपोर्ट देखिए। फिर से एक बेटी बनी हवस का शिकार। यूपी में सुरक्षित नहीं बेटियां, नाबालिग के साथ रेप, मनचले सिर फिरे घूम रहे हैं खुलेआम। कहां हो योगी सरकार? महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार कठोर से कठोर नियम और कानून लागू कर रही है, लेकिन मनचलों और सिरफिरों के आगे योगी सरकार का ये कठोर कानून पानी बनकर पिघल रहा है और वे महिलाओं के अस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन घटनाओं को सुन लोग ये भी उपहास उड़ा रहे हैं कि अब योगी सरकार के दावों का क्या होगा। इनके द्वारा दिए जा रहे आदेशों का पालन किस तरह से हो रहा है कि घर की चार दीवारी में भी युवती और बाहर निकलने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पा रही है। अब इसी तरह का एक मामला कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली के गांव से सामने आया, जहां नाबालिग युवती को लगभग 3 घंटे तक बंधक बनाकर गांव के एक वैश्य दरिंदे ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि खेत की तरफ अकेले देख वैश्य दरिंदे ने जबरन गन्ने के खेत में उसे खींच लिया और हाथ पैर बांध कर दुष्कर्म किया गया और यहां तक कि अपनी हवस मिटाने के बाद जान से मारने की धमकी तक दी। गए थे लैट्रिन करने, इसके बाद वो पकड़ लिए, पकड़ के आँख और मुंह बांध दिए, पैर बांध दिए और हाथ भी बांध दिए, उसके बाद लेग पटक दिए। कन्हैया नाम है। क्या लोग थे? उसको भी देखे थे। पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी है। पूरा मामला सुनने के बाद मानो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता की मां पीड़िता को लेकर पडरौना कोतवाली पहुंची, जहां पर काफी देर तक मामले में पुलिस हिला हवाली करती रही। जब मामले की जानकारी मीडिया को हुई तो आनंद फानंद में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली पडरौना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की सूचना मिलती है, जिस पर कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। धारा 376 IPC और 3/4 प्रॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पंजीकृत करने के पश्चात आवश्यक विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की। लेकिन एक बार फिर से योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक प्रदेश की बेटियों की इज्जत के साथ क्यों ही खिलवाड़ होता रहेगा। खबरें अभी तक के लिए कुशीनगर से सुनील यादव की रिपोर्ट।